हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स से है और इसका निफ्टी में वेटेज हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेशन में 300 पॉइंट से अबव का हमें जंप देखने को मिला है। और दोस्तों बात करें निफ्टी 50 में भी तो 100 पॉइंट के आसपास का हमें जंप देखने को मिला है। और दोस्तों निफ्टी 50 में आज कुछ स्टॉक में बहुत अच्छा खासा रैली देखने को मिला है, हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक भी है जिसमें हमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है। तो चलिए आज निफ्टी 50 से रिलेटेड टॉप 10 स्टॉकों पर हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों स्टॉक अलग अलग सेक्टर से जो कि आपके पोर्टफोलियो को चार चांद लगा सकता है और हमेशा हरा भरा रख सकता है आपके पोर्टफोलियो को। दोस्तों सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइनरी एंड ऑयल सेक्टर से बिलोंग करता है और दोस्तों निफ्टी 50 में इसका वेटेज की बात करेंगे तो 18% के अराउंड में इसका वेटेज है। और दोस्तों स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है और आपको फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसमें मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर तो यहां पे 1% से अबव का हमें रैली देखने को मिला है, जो इसका प्राइस फिलहाल हमें 2600 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप लोग रिलायंस के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों अगला जो स्टॉक है आईटी सेक्टर से रिलेटेड है और स्टॉक का नाम है टीसीएस। टीसीएस अपने शेयर होल्डर को बहुत बेहतरीन तरीके से मुनाफा दिया है। अगर बात करें निफ्टी 50 में तो इसका 10% के आसपास का इसका वेटेज है। दोस्तों अगर बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन का दोस्तों तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में रफली थोड़ा बहुत हमें प्लस पॉइंट देखने को मिला है और दोस्तों इसका प्राइस हमें 3300 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आईटी सेक्टर का सबसे जबरदस्त स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक फ्यूचरिस्टिक है और फ्यूचर में बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। जी हां, एचडीएफसी बैंक अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है और इसका वेटेज की बात करेंगे निफ्टी 50 में दोस्तों तो यहां पे 14% से अबव का इसका वेटेज देखने को मिल रहा है और अभी तक अपने शेयर होल्डर को जबरदस्त तरीके से मुनाफा दिया है। अगर बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन का तो आज के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हमें कोई यहां पे मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, जो कि यहां पे 1628 रुपए पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग पे ही आपका आकर इस स्टॉक का आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। हालांकि बात करिए तो स्टॉक 1628 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपने सेक्टर का लीडर है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो इंफोसिस है, जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 का इसका वेटेज का तो निफ्टी 50 में इस स्टॉक का 11.5% से अबव का इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे इस स्टॉक का तो यहां पे आज के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों रफली 1% से अबव का रैली देखने को मिला है और इसका जो प्राइस है 1500 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 2000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस बनाकर रख सकते हो और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो। स्टॉक अपने सेक्टर का दूसरा नंबर पे आता है, यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो टीसीएस के बाद हमें इंफोसिस अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो है एचयूएल। एचयूएल एफएमजी सेक्टर से बिलोंग करता है और अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है। दोस्तों अगर बात करें इसका वेटेज का निफ्टी 50 के अंदर तो यहां पे 9.5% के अराउंड में इसका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों बात करें तो अभी तक अपने शेयर होल्डर को एक काफी सेफ वे में मुनाफा दिया है। और दोस्तों बात करें तो स्टॉक में हमें डिविडेंड का फिगर भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का दोस्तों तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में रफली थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों बात करें इसका प्राइस का तो यहां पे 2556 के अराउंड में इसका प्राइस हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस दोस्तों 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस बनाकर रख सकते हो। अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है और दोस्तों निफ्टी 50 में इसका अच्छा खासा हमें वेटेज देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, यानी दोस्तों अपने सेक्टर का अच्छा खासा स्टॉक है और अभी तक अपने शेयर होल्डर को जबरदस्त तरीके से मुनाफा दिया है। आजकल बात करें तो इसका हमें बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें निफ्टी 50 का वेटेज का तो निफ्टी 50 में इसका वेटेज का जो हमें फिगर देखने को मिल रहा है दोस्तों रफली हमें 7% के आसपास का इसका वेटेज का हमें फिगर देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन का दोस्तों तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% से अबव का रैली देखने को मिला है।
और जो इसका प्राइस है ओनली हमें 900 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें ओनली 250 के अराउंड में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से कितना बार हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, इसका प्राइस फ्यूचर में 1000 के अराउंड में जाते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि 1000 के अराउंड में इसका प्राइस हमें यहां पे देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस 1500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर दोस्तों पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका बिजनेस ग्रोथ अच्छा है, जिसकी वजह से स्टॉक हमें काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है SBI है, और दोस्तों अगर बात करें इसका निफ्टी 50 में इसका वेटेज का, तो निफ्टी 50 में इसका रफली 6.5% के अराउंड में इसका वेटेज है। और दोस्तों अभी तक बात करें पिछले 2 से 3 साल में तो इस स्टॉक का जबरदस्त तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो अभी इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें यहां पे इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है और आजकल दोस्तों पब्लिक सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का, थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिला है, हालांकि बात करें इसका प्राइस का तो 600 के आसपास में हमें फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस ओनली 200 के आसपास में था, वहां से आप लोगों को मैंने वीडियो में डिस्कस किया था इसका बिजनेस ग्रोथ अच्छा है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसका प्राइस आप लोगों के सामने में 600 रुपए के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला है, हालांकि आज की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिला है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है HDFC है, जो कि होम फाइनेंस से रिलेटेड है। और दोस्तों बात करें इसका निफ्टी 50 का वेटेज का, तो निफ्टी 50 में इसका वेटेज 18% से अबव का हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज की अगर बात करेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन का, तो इस स्टॉक में रफली 1% के आसपास का यहां पे हमें रैली देखने को मिला है और इसका जो प्राइस है हमें 2650 के अराउंड में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और स्टॉक फ्यूचर में इसका प्राइस 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इन सारे स्टॉक में अगर हमें एक साथ गिरावट देखने को मिलता है तो निफ्टी 50 का वाट लगते हुए हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। दोस्तों अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक, निफ्टी 50 में इसका 4% के अराउंड में इसका वेटेज है और दोस्तों अपने सेक्टर का स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। दोस्तों बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन का, तो इस स्टॉक में 1% के आसपास का हमें रैली देखने को मिला है। इसका प्राइस की बात करेंगे तो 800 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और दोस्तों स्टॉक फ्यूचरिस्टिक है, हालांकि 400 से इस स्टॉक ऊपर हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए और वहां से इस स्टॉक ने 100% के आसपास का मुनाफा दिया है। अगर बात करेंगे दोस्तों फ्यूचर का, तो इसका फ्यूचर काफी ब्राइट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो कंपटीटर है ओनली जियो है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो है ITC। ITC अपने सेक्टर का अच्छा खासा स्टॉक है, अगर बात करें FMG सेक्टर से बिलोंग करता है स्टॉक है। और दोस्तों निफ्टी 50 की बात करेंगे तो इसका 7% के आसपास का वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का दोस्तों, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में रफली अच्छा खासा रैली देखने को मिला है और इसका जो प्राइस है फिलहाल में 332 के आसपास में इसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस हालांकि 500 के आसपास में भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में कोई खास मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, इस स्टॉक में हमें यहाँ पे डिविडेंड का फिगर अच्छा खासा देखने को मिलता है। दोस्तों ये स्टॉक ऐसा था जो कि निफ्टी 50 को अपने दम पे हिला सकता है और दोस्तों अगर इस स्टॉक में से कोई भी अगर हमारे पोर्टफोलियो में होता है तो हमारे पोर्टफोलियो का 4 चांद लगा सकता है, क्योंकि स्टॉक सारे स्टॉक अपने सेक्टर का दिग्गज था। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें से कोई भी स्टॉक आपके पास होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के पास कितना परसेंट का इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है।